हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस टू इन आवर यूट्यूब चैनल। सो भाई, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। इसमें विदाउट हेल्पिंग वर्ब है और इसमें हम सब सीख चुके हैं चार प्रकार से कैसे हम लोग वाक्य बनाते हैं। सो आज कुछ थोड़ा सा बचा है गाइस, तो आज हम देखते हैं, उसके बाद हमारे टॉपिक खत्म हो रहा है और फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स सी गाइस, जैसे इसमें बताया जा रहा है, तो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि क्या तुम मेरे दोस्त हो। तो जब इस तरह से आता है तो हम इसका आंसर जनरली यस या ऐसा नो में दे सकते हैं। लेकिन जब यही हमसे अगर वो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए कि तुम क्या मेरे दोस्त हो, तो इसका मुझे रीजन बताना पड़ेगा। या अगर इसमें वाई आ जाए कि तुम मेरे दोस्त क्यों हो, तो इसमें रीजन बताना पड़ेगा। तो इस सब केस में हमने देखा था, अगर इसकी हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो सबसे पहले आप ऐसे वर्ड में आएगा तो क्या की जो होती है, बहुत लोग दोस्त इसका ट्रांसलेशन करने लगते हैं, लेकिन ये सब नहीं होगा गाइस। सो देखिए, आप सबसे पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद नाउन अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। ये चीजें हमने पढ़ा था दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले क्या लगाएंगे, अब आप जो भी आपका सब और लगेगा हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा तुम है, यू, तो क्या लग जाएगा, आर यू माय फ्रेंड क्वेश्चन मार्क। ये इस तरह से होती है गाइस। अगर वही हमारा हो, अगर मान लीजिए सपोज दैट इसको मान लीजिए, तो तुम क्यों मेरे दोस्त हो, तो इसमें हमें रीजन बताना पड़ेगा। तो इसका हम ऐसे या नो में नहीं बता सकते कि हम है या नहीं है। तो देखिए, हमने बताया था इसका भी, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है भाई, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, उसके बाद आप लिख देंगे यही चीजें, एज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस अदर क्वेश्चन मार्क। ये चीजें होती है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाते हैं बोल बोल के, तो आपका प्रैक्टिस बहुत होगा। और ये चीजें हमने देखा है और हमने भी इम्प्रूव किया है इसके माध्यम से। तो देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, तो तुम है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड से लेंगे वाई, अब आ जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ड। तो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग तुम है तो आर लगेगा, वाई आर यू माई फ्रेंड। इस तरह से ये सब चीजें हमने पढ़ लिया है, तो इस तरह से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं और बोल बोल के प्रैक्टिस करिए। ब्लेम मी गाइस, आपका बहुत ही बहुत बदलाव होगा आपके अंदर। सो देखिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें, क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो, चीजें हमने नहीं पढ़ा था, तो देख लीजिए इसका सेम यही प्रोसेस रहेगा। सब्जेक्ट के बाद पहले हम जो अफर्मेटिव पढ़े थे, उसके बाद निगेटिव पढ़ा था दोस्तों। तो उसके उस निगेटिव क्या करते थे, सब्जेक्ट हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नाट लगाते थे। लेकिन यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो और बीच में नहीं भी लगा हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम ना लग देंगे, नाट का प्रयोग कर देंगे। हाँ, आप नाट लगा दीजिए और बना दीजिए।
क्या तुम मेरे दोस्त? तो हो जाएगा आपका। आर यू नॉट? जब वहां निगेटिव रहता था उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, लेकिन क्या से और नहीं होगा तो सब्जेक्ट के बाद। नॉट माई फ्रेंड इस तरीके से होती है। और इससे अगर देखा जाए तो सपोज दैट, देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा। अगर तुम मेरे इसमें क्या करेंगे, सेम चीज यही रहेगी। इसमें भी सब्जेक्ट के बाद यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आए और नहीं भी हो। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, प्रेजेंट सिंपल विदाउट वर्ब एक्शन पढ़ रहे हैं इस समय केस में। तो आप ऐसे लिख देंगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रही होगी। वेल सो देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहले वाई आर यू सब्जेक्ट, यही आप नॉट लगा दें, नॉट माई फ्रेंड। इस तरीके से होती है गाइस। तो इसके माध्यम से आप हजारों सेंटेंस बनाइए, बोलिए, प्रैक्टिस करिए, आप अपने से प्रेम करिए। और अब हम लोगों ने एक वाक्य को 6 तरीके से बनाना सीख लिया है। अभी हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस में इतना हमने सीख लिया है। तो अगर मान लीजिए, अगर देख लीजिए पूरा, सो जो नए व्यूअर है गाइस, सो कमेंट में लिख के बताइए। और जो भी हमारी वीडियो आपको कैसी लगेगी उसमें रिप्लाई कीजिए। क्या सिक्स, देख रहे हैं गाइस, हम सब ने इतना सीख लिया है।
सिर्फ अभी हम प्रेजेंट सिंपल पढ़े हैं विदाउट वर्ब एक्शन। तो इसके माध्यम से आप कोई वस्तु हो, कोई पर्सन हो, कोई प्लेस हो, आप डिस्क्राइब करिए। अब बोल बोल के सेंटेंसेस देखिए और एक वाक्य लीजिए, उसे छह तरीके से ट्रांसलेट करिए। देखिए अगर हम इसकी बात करें, मोहित एक अच्छा लड़का है, तो ये आपकी सिंपल है और इसमें हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो मोहित कैसा है। सो मोहित इज अ गुड बॉय। अब यहाँ निगेटिव है, मोहित इज नॉट अ गुड बॉय। क्या है तो इज मोहित गुड बॉय, इज मोहित अ गुड बॉय। और इसमें निगेटिव है तो इज मोहित नॉट अ गुड बॉय। मोहित क्यों है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। सो व्हाई मोहित इज अ गुड बॉय। अब यहाँ देख लीजिए, अभी हमने डिस्कस किया था, तो क्या हो जाएगा, व्हाई मोहित इज नॉट अ गुड बॉय। तो इस तरीके से होती है गाइस। सो आई होप आप हमारी वीडियो से सीख पा रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं जिसको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, आप हमारी पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या होती है। देख लीजिए कि और हम एग्जांपल के माध्यम से भी समझेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या होती है। आप क्वेश्चन वर्ड और इसको एस फैमिली भी करते हैं। देखिए जैसे वार्ड, आप जानते हैं इसका हिंदी वार्ड, होम, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इसमें भी है हाउ, हाउ मेनी। आप हाउ मेनी लगाएंगे वहां तो काउंटेबल हो, हाउ मेनी बॉयज देयर आर। सो हाउ मच जो अनकाउंटेबल हो, हाउ मच वाटर, हाउ मच मिल्क, तो इस तरह से आप लिखेंगे। So, ये चीजें आप होती है क्वेश्चन वर्ड। और देख लीजिए और विद होम किसके साथ, व्हाट माने क्या, कौन, हम किसके, व्हाई क्यों, व्हेन जब, वेयर कहाँ, हाउ कैसे, आप बोलते हैं हाउ आर यू, हाउ मेनी, हाउ मच और होती है गाइस। सो आप इन सबको प्रैक्टिस करिए और जैसे हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख के, तो इन सब से आप सेंटेंस बनाए और सभी और जो नए व्यूअर्स हैं और जो पुराने हैं, सो आप सबसे यही हो रिक्वेस्ट है कि आप तीन एग्जांपल बनाइए जो भी होगा, जैसे इस सब प्रयोग करके एम का भी और आर का भी। सो इन सब का यूज करके आप तीन तीन सेंटेंसेस बनाइए। सो बस आज के लिए भी इतना ही गाइस, आज मेरा प्रेजेंट सिंपल खत्म हो रहा है। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगली सेंटेंसेस। सो कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, थैंक यू।